हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है भाई बॉन फायर गेम्स पे। और आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं मेरा बिग सिटी 2 ऑनलाइन। भाई ये गेम बहुत ही जबरदस्त गेम है भाई, GTA 5 के कंपैरिजन में कुछ कम नहीं है भाई। सब जबरदस्त, इसके ग्राफिक्स तो आप लोग देख ही रहे हो भाई। यहाँ पे अपने प्लेयर के डांस मूव देखो भाई, एकदम ही जगाज लग रहा है, एकदम जैसे क्या माइकल जैक्सन कर रहा है भाई। यहाँ पे सामने अभी थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था भाई, देख रहे हो गाड़ी यहाँ पे बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई है। जो प्लेयर था उसको पता नहीं कौन एम्बुलेंस में लेकर के चले गए फटाफट से जो भी थे, ओके हॉस्पिटल वाले। और भाई गाड़ी को यहीं छोड़ के चले गए, शायद इसको भी टो करने के लिए कोई वैन वैन आ जाएगी। ओके भाई, लास्ट वाली वीडियो में हम इस गेम को शुरू किया था और वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत इस गेम को एक्सप्लोर किया, वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया भाई, देखने में काफी अच्छा लगा था। और भाई हम लोगों ने पुलिस पे केस भी किए थे और यहाँ से हम लोग भागते फिर रहे थे फिर, तो काफी ज्यादा मजा आया था लास्ट वाली वीडियो में। ओके तो भाई आज हम लोग दोबारा से चलने वाले हैं भाई। ये गाड़ी देख रहे हो ना, इसको मैं चुरा करके लेके आया हूँ और आज हम लोग दोबारा से चल रहे हैं भाई। यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉफी वॉफी पी करके आते हैं। तो यहाँ पे भाई कॉफी शॉप होनी चाहिए यहीं पे पास में, ये रही। ओके तो यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर देते हैं, मेरा मार्क हटा भी दिया। ओके गलती से हट गया, इसको दोबारा से हम लोग मार्क कर देते हैं, डोंट रेचिक। ओके तो चलो फटाफट से इसको अपनी गाड़ी को लेकर के वहाँ पे निकलते हैं और सिटी में थोड़ा बहुत और घूमेंगे, जहाँ पे हम लोग इस सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर और कर लेंगे भाई। यहाँ पे मैंने अभी इसको पूरी तरह से नहीं देखा है, मतलब इस पूरे मैप में भाई सही तरह से अभी इसके गेम को नहीं खेला। ओ भाई थोड़ी बच गया, ठुक जाती वरना गाड़ी अभी और अपनी गाड़ी को डैमेज लग जाता तगड़ा वाला। ओके बट कोई नहीं, अपनी गाड़ी नहीं है भाई, इसको भी मैं चुरा करके लेके आया था भाई, किसी की खड़ी हुई थी तो भाई अभी सस्ती गाड़ी खरीदी है। और भाई मैं सोच रहा हूँ ना, क्यों ना हम लोग यार जा करके, अभी हमारे पास अच्छा सा घर भी नहीं है और ना ही कोई अच्छी सी गाड़ी है, तो क्यों ना अपने लिए एक अच्छी सी गाड़ी खरीद ली जाए। लेकिन भाई अपने पास इतने पैसे तो है नहीं, तो भाई सबसे पहले हमें जॉब वगैरह देखनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ तगड़ा सा करना पड़ेगा या फिर कोई चोरी वोरी तगड़ी वाली भाई। उसके बाद में हमारे पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, देन उसके बाद में हम लोग कोई अच्छी सी गाड़ी और एक अच्छा सा घर खरीदेंगे। ओके तो भाई साहब फिर अपना लाइफ भी सेट हो जाएगी एकदम मस्त वाली भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके तो भाई बातों बात हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ पर, कॉफ़ी शॉप है भाई दूसरी वाली। ओके वो रही सामने ही भाई साहब। अरे हट जाओ मैडम, क्यों ठोकना चाहती हो भाई, मतलब फालतू में। ओके ओ यार वो वाली कॉफी शॉप तो पीछे रहेगी। ओके तो यहाँ पे दो हैं, चलो कोई नहीं, उस वाली पे हम लोग बाद में चले जाएंगे। अब यहाँ पे पहुँच ही गए हैं सामने वाली पे, तो क्या हर्ज है यहाँ पे पीने पे, कॉफ़ी तो पीनी है तो पी लेते हैं फटाफट से और कुछ खा पी भी लेंगे। यहाँ पे भाई देख रहे हो, अच्छा यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं साइड में। ओके तो भाई यहाँ फटाफट से इसको लगा देते हैं, निकलते हैं फटाफट से चलते हैं। भाई साहब क्या नाम है इसका, स्माइल एंड ईट, वाह क्या गजब का नाम रखा है भाई, कुछ भी कहो जबरदस्त रखा है भाई कैफे का नाम तो इन लोगों ने, स्माइल एंड ईट, हंसो और खाओ। वाह और भाई डग भी वाह भी तगड़ा रहा है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही महंगी जगह है। और भाई मैं टी शर्ट और लोअर में ही आ गया हूँ चप्पल पहन करके कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख रहे हो क्या ही गजब का प्लेस है भाई साहब। भाई साहब देख रहे हो कितना तगड़ा बनाया हुआ है भाई, ऐसा लग रहा है छोटी सी जगह और उसी में इतना तगड़ा सा बना के रखा है ना भाई, देख रहे हो ये शायद VIP लॉज है पता नहीं क्या है। ओके तो भाई यहाँ पे सेकंड फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर पे चलते हैं फटाफट से। अभी भाई सुबह सुबह का टाइम है तो अभी ये सिर्फ ओपन ही हुआ है, तो यहाँ पे अभी कोई कस्टमर वगैरह नहीं है, हम ही शायद इसके पहले कस्टमर होंगे। ओके तो भाई देख रहे हो क्या ही तगड़ा बनाया हुआ है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ जब हमारे पास पैसे वैसे आ जाएंगे ना, तो एक काम करेंगे भाई हम लोग भी ना एक ऐसा ही रेस्टोरेंट जो भी है ये कैफे वगैरह खरीद लेंगे, जैसे अभी वहाँ पे मैं कहाँ फंस गया भाई, कुर्सियों के नीचे चला गया गलती से। ओके तो भाई ऐसे हम लोग भी खरीद लेंगे और भाई उसके बाद में ना हम लोग अपना अपना बिजनेस बिजनेस चलाएंगे। ओके तो चलो एक काम करते हैं, आप लोग यहाँ पे आके फटाफट से अपना कॉफ़ी वॉफी पीते हैं। ओके भाई तो यहाँ पर मैं हो गया हूँ अपना कॉफ़ी वॉफी पी करके फ्री, और भाई यहाँ पर मैंने अभी अपना खाना वाना खा लिया है और मेरे पास बगल में एक शॉप भी थी जहाँ से मैंने कपड़े वपड़े खरीद के चेंज कर लिए हैं। तो एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं भाई, यहाँ पे घर पे भी जाना है वापस से। एक सेकेंड, भैंस की टांग, ओ भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी हुई थी वो कहाँ है, ओ भाई अपनी गाड़ी को उड़ा ले गया कोई, और भाई साहब ये क्या सच्ची में, ओ भाई टोयोटा सुप्रा खड़ी हुई है भाई MK5, ओ भाई साहब सच में, ओ तेरी भाई। मैं सोच रहा हूँ ना हमारी गाड़ी तो कोई चुरा करके ले गया, तो एक काम करते हैं हम भी इस गाड़ी को चुरा करके ले चलते हैं भाई, क्या करें भाई जैसे को तैसा तो करना ही पड़ता है ना। अब हमारी गाड़ी चोरी होगी तो हम ना किसी किसी की चुरा लें, और भाई ऐसी गाड़ी को कौन छोड़ता है, ए देख करके इसकी भैंस की टांग भाई, साइड में बम साइड में डैमेज दे दिया यार इसने, अबे साले लेने की देर नहीं हुई उससे पहले साल ने डैमेज दे दिया, नुकसान कर दिया, अबे यार नुकसान हो गया फालतू में भी मतलब है भाई। लेकिन इसका साउंड भाई क्या गजब है भाई इसकी, भाई साहब इससे ड्रिफ्ट करने में ना इतने मज़े आएंगे ना क्या बताऊँ भाई साहब, बहुत मज़े आने वाले हैं इस गाड़ी को चलाने में। और ये गाड़ी अब अपनी ही होने वाली है, अपनी होने वाली नहीं अपनी ही हो चुकी है,
तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चलो मजा करते हैं, एक काम करते हैं किसी पुलिस वाले को देखते हैं और उसको ठोक देते हैं, उसको गोली मारते हैं, फिर अपने पास केस लगेंगे, फिर देखेंगे भाई इस गाड़ी से भाग रहे हैं, फिर चलाने में जाएंगे, इस गाड़ी को गन लेता हूँ फटाफट से यहाँ पे, भाई मेरे पास गन वन है बहुत तगड़ी बड़ी। ओके तेरी भैंस की टांग ना मुंडे निकल दूँ तो भाई दो केस लग चुके हैं फटाफट से हम पे। ओके भाई कोई पुलिस वाला नहीं है क्या? पुलिस वाला है, पीछे है, पीछे है, तेरी भैंस की टांग, रुक आ जा भाई, पुलिस नहीं आई अभी। ओके ये भी भाई गाड़ी तेरी वहाँ की, यहाँ जहाँ कहाँ रही है गाड़ी, रुकना इससे मजे नहीं आ रहे, AK-47 से मजे आएंगे, अब आएंगे भाई सब मजे। ओ केस छूटने वाले हैं, अबे तुम्हारी ऐसी की ऐसी ऐसे कैसे छूट जाओगे, चल साथ ही आ रहा पुलिस वाला, निकल उतनी के भाई तबका दिए, दूसरा आ रहा है तू भी आ जा, वो भी खत्म, क्या बात है भाई साहब, दोनों पुलिस वाले खत्म हो गए भाई साहब, निकल। ओ भैंस की टांग, ओ भाई, ओ भाई 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 कितनी बुरी तरह से टक्कर मारी, ओ बे यार भाई इन लोगों ने अब तो डर गया भाई, फटाफट से निकलना पड़ेगा, फटाफट से भागना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला कांड हो जाएगा और हम लोग मारे जाएंगे नहीं मतलब फालतू में। ओ बे यार इसने दोबारा से ला करके भाई गाड़ी ठोक दी भाई, अच्छा ओ भाई बच गया बच गया बच गया भाई, वरना पकड़ लेता ये अभी मेरे को। ओके तो फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ भाई, हट जा नमूनो आगे से, बीच सड़क पर लड़ने लग रहे हो भाई, इसने ला बहुत तगड़ा वाला डैमेज दे दिया मेरी गाड़ी के अंदर। अब जैसे तैसे करके पहले भाई यहाँ से निकल लेते हैं, भाग लेते हैं, वैसे हम लोग कोई चिल मची हुई थी पंगा लेने की, और जब पंगा ले लिया तो अब भागना पड़ रहा है भाई, मैंने सोचा नहीं था कि इससे मेरी गाड़ी को डैमेज लग जाएगा, लेकिन भाई वो तो लग गया, वो कि ये आ गया पुलिस वाला, अभी ये तो पीछे पड़ गया यार। ओके भाई साहब बहुत तगड़ा वाला पंगा ले लिया अभी मतलब फालतू में, इससे अच्छा तो अगर मैं गाड़ी को ले जाता और ऐसा पूरी सिटी में घुमाता मज़े लेते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन भाई चल चल अबे यार ये फिर से आ गया यार, यहाँ से निकलना पड़ेगा, फटाफट निकलते हैं। ओ भाई भाई इसने गाड़ी का तो पूरे धक्के मार दिए यार इसने गाड़ी की, अबे यार तेरी भैंस की टांग, तो उधर जाके मर जा, मैं तो निकलता हूँ साइड से, निकलता हूँ फटाफट से यार, बेमतलब में भाई पंगा ले लिया यार, नई गाड़ी का थोड़ा सा भी मज़ा नहीं ले पाया मैं यार, इसने ना बहुत बुरी तरीके से यार गाड़ी की हालत ख़राब कर दी, मैं तो इतना ज़्यादा खुश था कि भाई टोयोटा सुप्रा मिल गई, अब तो मज़े आ गए भाई साहब, अब कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन भाई ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं रही, अब भी मतलब में ये भाई नुकसान भी हम लोगों ने अपने आप ही कर लिया, अभी मतलब में फालतू में पुलिस वालों से पंगा ले लिया। अब एक काम करते हैं पहले भाई किसी जगह पे जा करके छुप जाते हैं, जहाँ से हमें पहले इन केस से छुटकारा मिल जाए पुलिस के केसों से, देन उसके बाद में हम कहीं सोचेंगे आगे जाने के लिए, फिर भाई इसको रिपेयर करवाने के लिए चलेंगे। अब घुस जा अंदर। ओके तो भाई अभी केस शायद छूटने वाले हैं। ओके भाई साहब छूट गए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके भाई साहब हम लोग यहाँ पे टोटल फ्री हो चुके हैं केसों से, तो अब एक काम करते हैं, पुलिस की गाड़ी फिर भी साइड में घूम रही है, लेकिन एक काम करते हैं हम यहाँ पीछे वाले रास्ते से निकल लेते हैं और पहले जा करके भाई कोई गराज देखते हैं जहाँ पे हमारी जो गाड़ी है उसको रिपेयर करवाया जा सके। ओके तो पहले चलो रोड पे चलते हैं। ओके भाई शाम भी हो चुकी है भाई, एकदम से मौसम चेंज हो गया, शाम हो चुकी है, तो चलो एक काम करते हैं फटाफट से भाई पहले देखते हैं यहाँ गैराज कहाँ पे पास में। ओके भाई कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है, यहीं पास में है भाई, सबसे पहले ले जा करके ना इस टोयोटा सुप्रा को क्या बोलते हैं हम लोग रिपेयर करवाते हैं, देन उसको वापस ले जा करके ना हम लोग उसको कुछ दिन के लिए छुपा के रख देंगे ताकि कोई देख ना सके। ओके देन कुछ दिन होने के बाद में भाई साहब हम लोग इसको फिर से बाहर निकाल लेंगे। ओके तो भाई साहब हम लोग बातों ही बातों में यहाँ पे पहुँच भी गए हैं गैराज के पास में। ओके तो भाई ये आ गया अपना गैराज, ठीक है अपना नहीं मतलब जिस किसी का भी है भाई उसका। ओके तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से इसको भाई रिपेयरिंग पे डाल देते हैं। ओके रिपेयर करते हैं और इसको जो है पेमेंट देते हैं भाई साहब, ये देखो एक झटके में ही गाड़ी तैयार हो चुकी है भाई, मैंने इसका कलर वलर भी चेंज नहीं करवाया। ओके बस इसको रिपेयर करवा लिया और फटाफट से बस अभी मैं यहाँ से इसको लेकर के निकलना है और कुछ नहीं करना, फटाफट से बस यहाँ से लेकर के इसको जा करके कहीं छुपा देना है ताकि हमें थोड़ी देर के लिए मतलब रिलीफ मिल जाए, मतलब कि भाई पुलिस भी हमें ना ढूंढे। ओ ओ भाई पहुँच चुके हैं भाई, मेरे को लगा अभी ठुक जाती बहुत बुरी तरीके से ये गाड़ी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम लोगों ने आराम से भाई इसको लेकर के चलते हैं घर पे ताकि कोई दिक्कत ना हो, और भाई अपनी गाड़ी फिर कुछ दिन बाद आप यार ये कैसे नमूने हैं। ओके भाई भाई अपनी गाड़ी को डैमेज नहीं लगा है, ओ थैंक गॉड बच गए भाई, मैं तो लगा भाई इसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, और वो भाई ठोक करके सीधा भागा है यार, लेकिन नहीं वो ठोका नहीं था भाई, ठोकी तो हमने थी, लेकिन वो भाई उसने एकदम से आगे से मोड़ दिया था, इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है भाई, देख रहे हो कैसे नमूनों की तरह चलाते हैं यहाँ पर ये लोग गाड़ियाँ भाई, कोई मोड़ वोड़ की टेंशन ही नहीं है, देखो भाई वो ठोक ठोक के जा रहा है सब कोई, क्या पागल वागल हो गया क्या, इसका दिमाग संतुलन खराब हो गया भाई, भाई गाड़ी तो इसकी भी तगड़ी है लेकिन हम तो ज़्यादा तेज नहीं है भाई, टोयोटा सुप्रा की बात ही अलग है, इसके आगे सब पानी कम चाय है, चाय कम पानी है, सॉरी उल्टा बोल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओ बच गया, ओ यार अबे इसकी भैंसकी टांग, ये क्या है यार, बे मतलब जरा सा टच हुआ है अभी उसको, इतनी तगड़ी टक्कर लगी तब तो कुछ नहीं हुआ, ये छड़ा थोड़ा सा टच हो गया यार उसमें, देख रो कितना, अबे यार इसको रिपेयर करवाने का फ़ायदा ही क्या हुआ है यार, बे मतलब
अबे यार अभी काम करते हैं, पहले घर पे ही चलते हैं। ओ भाई सही है बेटा सही है, ये लो इसका बम्पर भी है आगे से। अब लगता है इसको पूरा का पूरा दोबारा से रिपेयर करवाना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, बाद में जाकर रिपेयर करवाएंगे इसको, पहले घर चलते हैं। अब भाई बाद में देखेंगे इसको, बाद में ले जाकर रिपेयर करवाऊंगा भाई, अभी मेरे को जाकर के थोड़ा बहुत आराम करना है भाई। इस दे तू भी कमी पूरी कर ले साले, पीछे से ला करके ठोक दिया अपने। सबके सब नमूने, एक से बढ़ के एक नमूना है भाई यहाँ पर, कुछ भी कहो। ओके तो भाई हम लोग अपने घर पर तो आ चुके हैं। ओके भाई तो अभी हम इस गाड़ी को अभी तो अब रिपेयर नहीं करवाने वाला हूँ मैं इसको, ले जा करके भाई बाद में थोड़ा एक दो दिन बाद ही रिपेयर करवाऊंगा, जब ये थोड़ा मैटर थोड़ा शांत हो जाएगा, देन उसके बाद में ही हम लोग कहीं जाएंगे। तो ओके भाई फिर आज वाली वीडियो में तो सिर्फ इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंजॉय।